Good morning, guys. लगते हैं झूठे मुझे दुनिया के सपने, रोना है मुझे सीने से लगेगी। गाइस कल इसका पता क्या सीन हुआ? कल इसका सीन हो गया भाई, कार की ना पूरी अलाइनमेंट आउट, स्टीयरिंग हो गया पूरा टेढ़ा। एक्चुअली सामने कुछ आ गया, ब्रेक मारनी पड़ गई। उसके बाद से ये ट्रैक्शन वाली लाइट भी नहीं हट रही है भाई। यार मैं इतना ज्यादा, मतलब जब जब भी इनसे ब्रेक के डलवाओ ना एजेंसी वालों से, आल है स्टीयरिंग देखो, ये सीधा है स्टीयरिंग, आल है ये अलाइनमेंट देख रहे हो भाई। बार बार सुनना यार, ऑफिस के काम भी वगैरह करने होते हैं तो इनके पीछे सुना घूमी जाएगा इंसान। अब अलाइनमेंट करा लो, फलाना करा लो, यार बंदे ने होर भी काम होंगे करने वाले। बट अब क्या ही बोल सकते हैं, अज जाना हुणी फोन करदा उन्होंने ते भी कराना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई। मैंने और गाड़ियां इसलिए नहीं छेड़ी ताकि टाइम अपना सेव हो जाए, ये तो ना पता ही जड़ी सही कराई है उदा ही इन्ना काम खराब हो जाएगा। चलो करता हूँ उनको फोन और क्लियर करते हैं बातें, क्या सीन है क्या। सो गाइज फिर इतने आ गए हैं, ऑफिस छड़ के आ गए थे, फिर आना यार इट्स वेरी, कह लो कि बड़ा मुश्किल हो जाता काम। सर्विस दफ्तर छड़ के नहीं आया जाता यार, उत्तों मंडे का दिन है, गड्डी का स्टेयरिंग पूरा टेढ़ा है, बंदा की करेगा हुण, की करेगा बंदा। सडनली ब्रेक मारी है कल, ओदा नहीं नुकसान कोई नहीं। सो गाइस इसका ये भी एडवांस फीचर पता लग गया, ब्रेक अब इंस्टेंट ब्रेकिंग करोगे तो वहां पे इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आ जाएगी, ठीक है जी, लाइट आ जाएगी, वो आपको कंपनी से आके ही सेट करवानी पड़ेगी। और ब्रेक अगर बहुत जोर की बज रही है, बहुत ज़्यादा जोर की, फिर इसकी चांसेस हैं कि इसकी अलाइनमेंट भी आउट हो सकती है, जैसे कल मेरे साथ हुआ, समझ रहे हो, ये चक्कर है। बाकी कराना तो पड़ना ही सी, क्या कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं ऑफिस, 12 बज गए हैं, मिलते हैं फिर आप सबसे। बाजार आए हैं, बहुत रश हो गया है, देख रहे हो, इतने तुम हर प्रकार का बंदा मिलेगा, सैड भी मिलेगा, सैड बंदे भी मिलेंगे बाजार। सब तो ज्यादा बाजार जाके पता कौन होता, बीबिया इन एक्साइटेड हुई होंगे ना, इन्नी खुशी हुई होंगी ना उन्होंने, मतलब मैं पता नहीं कहां पर आ गई, हो नहीं जाना मॉडल इन एक्साइटेड हुई होंगे ना बीबिया, मैं की दसा, ओदा टायर बार नू है कि मेरे रगड़ाई ना दवी, ओही गल्ला होवे। चल गए आई तुम दिखाने हुशियारपुर की कुंज गली में, आया सब तो फेमस गली होंगी सी, बॉम्बे वाले तो लेना जी, बॉम्बे वाले तो लेना, हुण समझ आता सब तो गलत समान रखा हुआ, हाल बॉम्बे गिफ्ट सेंटर। वैसे मैं तो विनय इतने बचपन चाने होंगे सी, ये जवान हों हूँ भी जवान है, मैं बट छोटा हों, मैं जवान हो गया इतने खिलान लैके आता हूँ मैनू, अच्छ किन्ने साल बाद खाने लगे है ना, बिच जे बंद भी हो गया से,
तो गाइस जिम के लिए तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन फास्टिंग मेरी टूट चुकी है यार। उत्थे ना एक चूर चूर नान खान का मन कर गया, वो खा लिया मैं। कितने दिनों से उसमें ना नीयत सी फंसी हुई थी, मैं कहा चल खा लेते हैं है ना। फिर मैंने गाइस खा ही लिया। अब देखते हैं, थोड़ी मेहनत वध करना है। साली वध की मेहनत हमेशा वध ही की मैं, मेहनत के टाइम पर मेहनत घट नहीं की, मैं मेहनत हमेशा वध की है गाइस। मिलते हैं गाइस फिर। इन्ना मेरा बीपी वध्या होया ना गाइस, इन्ना गुस्सा आया होया ना, मैं की दसा। इन्ना ज़्यादा मैं गुस्सा आया होया ना बई, चंगा बड़ा जिम का तगड़ा मूड सी। जिम च बई वाटर कूलर ही खराब है यार, जिसमें से पानी निकलता वही खराब है यार, किन्नी माड़ी गल है यार। रुक, जिम के बीच में 1 लीटर पानी पीना होता है गाइस, 1 लीटर पानी। अगर 1 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी तो साला यहाँ से सिर दुखने लग जाएगा। मेरा यहाँ से अभी सिर ही दुख रहा है भाई। मैं काफी बार देख चुका हूँ यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है, अगर ठीक ना हो मैं छोड़ दूंगा जिम, मेरे को दिक्कत नहीं है। हुण मैं 20 रुपए की बोतल रोज थोड़ा लेके आवा यार, घर से भर के ले आऊंगा पानी, लेकिन बाय चांस पीना पड़ा पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे। हाय बड़ा परेशान है गाइस मैं, देख रहे हो मेरी शक्ल ही बता रही होगी आप सबको, ये देखो मतलब छड्डो मैं घर नूं चलने हैं बाय। सो गाइस जिम से आगे मैं सो गया था, घर पे बनी थी पाव भाजी थोड़ी सी, वो खाई, थोड़े से चावल खाए, थोड़े से फ्रूट खाए, सैलड खाया। देख हालत देख इन्हां बंदियां दी, लोकां दी हालत देख, इदां हॉर्न मार के जा रहा है जिदा गां जा के इन्हें एक्सीडेंट होने वाले बंदे बचाने हैं। जिदा कि इन्हूं पहला पता लग गया होंदा कि अगे एक्सीडेंट होना, मैं जाके उत्थे रोक लवाओ एक्सीडेंट, इहदे करके मुड़ के टायर च घूम जांदे हुंदे आ, फिर मुड़ के ये नहीं लभदे हुंदे एक्सीडेंट वाले, तो कर कुर के नहीं चले भी जाते हैं। साला ना होवे तां मेरी लह तोड़ के रखती सारी। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं कह रहा था सो गया था मैं गाइस। एक तो जिम में वो पानी नहीं आ रहा था, डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ से माथा दुखने लग गया। पानी पहला लीटर पीता, फ्रूट खाए, फिर फ्रूट के बाद जाके मैंने फिर कुछ खादा, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खादा मैं, फिर उस तो बाद जाके काम किया। फिर मैं क्या यार, तब उस वक्त 5 बज गए थे मेरे हिसाब से, मैं कहा चल यार घंटा सो लेने। मतलब ऐसी गूढ़ी गूढ़ी नींद नहीं आई, नींद आई लेकिन गूढ़ी नींद नहीं सी हो, पर मैं भी ठीठा को लम्मा पिया रहा। मैं कहा चलो, क्योंकि पता क्या हुआ, कल रात को भी माता चिंतपूर्णी से लेट आए थे, सोते सोते वही 1 बज गया था, फिर 7 बजे आई वोक अप एंड वही ना, फिर थोड़ा शरीर बड़ा है, इंजन बड़ा है, समझते हो, गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है, ठंडे होने के लिए भी टाइम लगता है, पुराने इंजन तुहानूं पता ही होने चाहिए कितना दे होंगे, समझ रहे हो ना। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं लवली, मेरे वहाँ पे कोई फॉर्म आए हुए हैं SSP ऑफिस के बंदे दे के गए हैं कोई, तो वो फॉर्म उठाने हैं, वो अपने ऑफिस के रिलेटेड ही है यार, वो परमिशन वगैरह एंड ऑल है ना, उसके रिलेटेड ही है वो, तो फिर वो उठा लेते हैं जाके ना, फिर मिलते हैं आपसे। 26 तो बेचारा बिजी होया हुआ है, बहुत बिजी होया हुआ है। मिलते हैं गाइस फिर। साजना ओ हो ओ हो ओ हो सजना सजना 26 कल फिर हूँ तू नहीं आना वा, कल वाली मैं जाना
ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਦਾ ਦੇ ਗੇੜੇ 15 ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਮ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ 12ਵੀਂ ਫੇਲ मतलब भगवान ने मोहन कुमार शर्मा को आईपीएस बनाना ज़रूर था लेकिन जो उसका प्रोसेस था वो ना मोहन को पता था ना किसी और को पता था बनने वाले को भी पता था कि बनूंगा बनाने वाले को भी पता था कि बनाऊंगा लेकिन भगवान ने जो शर्त रखी कि इसके बनने के लिए इसके बनने के लिए जो शर्त है जो हिम्मत है क्या तेरे में है मैं फिर से कहता हूँ भगवान सिर्फ और सिर्फ ज़िद देखता है आपकी कि आप कितने ज़िद्दी हैं अपने मुकाम को लेके अपने काम को लेके अपने एम्बिशन को लेके सिर्फ और सिर्फ वो ज़िद देखता है ज़िद को आजमाने के लिए वो ऐसे ऐसे सिस्टम करता है ताकि आपका सिस्टम जिद टूट जाए बहुत सही है 2 लाख में से 2 या 3 लाख में से बच्चे कितने प्रीलिम्स क्लियर करते हैं अपने कितने आई थिंक 2000-3000 के बाद मेंस कोई 100 के जाना और फिर उसके बाद वो जो इंटरव्यू होती है 20 में से या 25 में से सिर्फ 3 सिलेक्ट होते हैं और वो ज़िद्दी ही सिलेक्ट होते हैं जो ज़िद्दी थे जिन्होंने अपना खून पसीना दिया समझ रहे हो ऐसी ऐसी चीज़ों से मोटिवेशन गाइस हमें लेनी चाहिए कुछ भी हम कर रहे हैं ना किसी भी जगह पे हम कर रहे हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता एंड सब काम परफेक्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस अपना अपना काम करते जाएं गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी मैं उठ गया हूँ एंड आप सब मेरे से पूछ रहे थे कि बॉम्बे कब जाएगा भाई मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस सेट कर दूँ उसकी परमिशंस वगैरह है वो सब एक बारी ले लूँ उसके बाद जब थोड़ा समय बीच में मिलेगा फिर उसके बाद बॉम्बे जाएंगे समझ रहे हो बाकी मिलते हैं गाइस आपसे अपने ही रंग में रंगने वाले वाले रंग रेजा मैं हूँ दासी तेरी दातिये मिलते हैं गाइस फिर इस ब्लॉग को कर दें यहीं पर एंड और फिर चलते हैं जरा ऑफिस वालों करते हैं काम जरा